बहुत अमेजिंग मॉड्यूल्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको नहीं पता, अगर आप चलेंगे रूट में अपने डिवाइस के रूट स्टोरेज में, वहां पर आप चलेंगे डाटा वाले फोल्डर में, यहां पर आप चलेंगे सिस्टम वाले फोल्डर में, अगर आप कोई भी ऐसा फाइल मैनेजर यूज़ करें आप एक्सेस कीजिए, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखा, यहां पर आपको एक फोल्डर देखने मिलता है ड्रॉप बॉक्स के नेम से। ये क्या होता है, यहां पर आपके जो अपने डिवाइस की जो डंप फाइल्स होती हैं, क्रैश लॉग्स, डेवलपर्स के लिए, डेवलपर्स इस चीज़ के रिक्वायरमेंट ज़रूर करते हैं आपसे। और अगर आप के डिवाइस में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फाइल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जो भी आप अपने डिवाइस में करते हैं, कोई भी ऐप क्रैश होता है, कुछ भी होता है, उसका जो लॉग है वो यहां पर स्टोर होता है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसा लॉग इसमें ऐसा ऑटोमेटिकली ऐड हो या ऐसा कुछ हो, आप नहीं चाहते। आप क्या करेंगे, आप इसके लिए एक मैजिक मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। आई नो सभी के लिए शायद उतना यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आपको एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, और अब ये क्या करेगा, ये ड्रॉप बॉक्स को बिल्कुल ऑफ कर देगा। अब जितनी भी फाइल्स होंगी वो भी चली जाएंगी, अब आपके डिवाइस में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी लॉग्स जो हैं वो जनरेट नहीं होंगे। ये कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इंस्टॉल करना काफ़ी इजी, जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, आप चलिए मैजिक वाले ऑप्शन में, आप वहाँ पर देखेंगे कि ये जो मॉड्यूल आपके पास इंस्टॉल्ड होगा, डिसेबल्स डंप जनरेटेड बाई ड्रॉप बॉक्स। तो बेसिकली ड्रॉप बॉक्स जो है वो ऑफ हो जाएगा आपके डिवाइस में, और विच मीन्स आपके यहाँ डिवाइस में कोई लॉग्स जो है वो जनरेट नहीं होंगे, जो क्रैश लॉग्स हैं, ऐसी कुछ फाइल्स हैं आपके सिस्टम में नहीं रहेंगी। तो आप ये भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, की कैश मेमोरी क्लियर हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में ड्रॉप बॉक्स इज नाउ शोइंग एज एम्प्टी। तो यस, ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम KB का ये मॉड्यूल है, अगर आपको अलग अलग मैजिक मॉड्यूल्स ट्राई करने होते हैं तो इसे ट्राई करना मत भूले। मोस्ट लाइकली सभी एंड्रॉइड वर्जन्स में ये चीज़ काम करनी चाहिए, ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट वंस। अनदर वन जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये है प्ले इंटेग्रिटी फिक्स के रिलेटेड। मैंने रिसेंटली अपने इंग्लिश चैनल पर आपके साथ एक फिक्स वीडियो शेयर किया था कि आप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी, स्ट्रॉन्ग प्ले इंटेग्रिटी को पास कर सकते हैं। द गुड थिंग इज़ कि वो चीज़ अभी भी काम कर रही है, बस आपको फाइल वो नहीं तो दूसरी चाहिए, और वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था उस टाइम पे। अब आपको करना क्या पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं इस केस में लिनियोज को यूज़ करूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिनियोज यूज़ करें, बहुत सारे डिवाइसेस के लिए कस्टम रोम ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है प्ले इंटेग्रिटी फिक्स, उसमें ऐसा नहीं था उस वीडियो में, आपको इसमें थोड़ा सा अपडेटेड में बता रहा हूँ। प्ले इंटेग्रिटी फिक्स को इंस्टॉल कीजिए, उसको रीबूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद आपको ट्रिकी स्टोर को इंस्टॉल करना है, उस केस में सिर्फ आपको ट्रिकी स्टोर को ही इंस्टॉल करना था, लेकिन अब यहाँ पर आपको दोनों फाइल्स को इंस्टॉल करना है। पहले आपको ऑटोमेटिकली प्ले इंटेग्रिटी फिक्स को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, अब आपको ट्रिकी स्टोर को, दोनों को साथ में इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले ये दोनों मॉड्यूल्स एक साथ काम नहीं करते थे, लेकिन अभी ये दोनों एक साथ काम करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो गुड। दोनों को इंस्टॉल कीजिए, डन, कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं, कुछ नहीं। आप चलिए मैजिक में आप यहाँ पर नोटिस भी कर पाएंगे कि मेरे पास दोनों मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं, प्ले इंटेग्रिटी फिक्स और ट्रिकी स्टोर, दोनों मॉड्यूल्स एक टाइम पे। अब ये होगा क्या, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, एक बार चलते हैं आप यहाँ पर अपने सेफ्टी नेट वाले ऑप्शन में, यानी कि प्ले इंटेग्रिटी वाले ऑप्शन में। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे मेरे पास बेसिक इंटेग्रिटी पास, डिवाइस इंटेग्रिटी पास एंड स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी इज ऑल्सो पासिंग। ऑल दो फिलहाल मैंने जितना इसको टेस्ट किया आई फाउंड कि उतना ज़्यादा यूजफुल अभी फिलहाल नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारे ऐप्स आप यहाँ पर रन कर पाएंगे अपने रूटेड एंड्रॉइड डिवाइसेस में बहुत जल्दी, और यस मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं इन फ्यूचर, तो मिस मत कीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो काफ़ी अमेजिंग है एक्चुअली में, और यह है बूट एनिमेशन। अब कौन सा बूट एनिमेशन है, दिस इज़ रिलेटेड टू जेमिनाई। ये जो बूट एनिमेशन है ये काफ़ी न्यू है। अब मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लीने जो इस कस्टमरों में टेस्ट किया तो वहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आपके डिवाइस में डायरेक्टली इंस्टॉल ना हो तो आप क्या करेंगे, इसको मैन्युअली भी आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे, और वो कैसे करेंगे मैं उसके ऊपर एक वीडियो, उसके ऊपर मैं एक गाइड आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। दिस इज द जेमिनाई बूट एनिमेशन जो आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल न्यू बूट एनिमेशन है, तो देखने में काफ़ी अमेजिंग है। एंड मैंने इसे टेस्ट किया लिनी जो इसमें, लेकिन और कस्टम रूम्स में भी डेफिनेटली काम कर सकता है। अब एक बार दोबारा से मैं आपको ये बूट एनिमेशन दिखा देता हूँ, कैसे ये बूट एनिमेशन देखने में लगता है। बिल्कुल जब आप इस आपका डिवाइस बूट होगा तो आपको यहाँ पर आपके डिवाइस के लोगों के बाद देखने को मिलता है जेमिनाई का एनिमेटेड लोगो, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। एंड पर्सनली स्पीकिंग, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने डिवाइस के बूट एनिमेशन में, कस्टम
सिस्टम ना उसमें ज़्यादातर आपको गूगल का बूट एनिमेशन देखने को मिलता है, उसको चेंज कीजिए, इससे तो शायद आपको और बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अच्छा लग सकता है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, नहीं करना चाहते डेफिनेटली इग्नोर आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, इन तीनों मॉड्यूल्स के जो लिंक हैं वो मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स अगर आपको टेस्ट करने होते हैं अपने डिवाइस में भी, आपको अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स को ट्राई करना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली कलेक्शन ऑफ दीज थ्री मॉड्यूल्स मिस मत कीजिए, ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।